अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ TRX-8.com साइट के बारे में। इन्वेस्टमेंट साइट है, फ्री नहीं है। अगर आप लोग फ्री इस्तेमाल करना चाहो तो उसका एक तरीका है, आप लोग अकाउंट बना के रेफरल बनाओ। जो आप लोगों का रेफरल जो है ना इन्वेस्टमेंट करेगा, उनका परसेंटेज, उनका कमीशन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब जब इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आप लोगों का रेफरल, तब तक आप लोगों को मिलता जाएगा कमीशन। अदरवाइज़ आप लोगों को डेली के हिसाब से विदड्रा नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे डेली में 24 घंटे में एक बार विदड्रा मिलेगा और रेफरल कमीशन का भी मिलेगा। इसमें आप लोगों का फिर वो रूल नहीं होगा, आपका जस्ट रेफरल कमीशन का होगा, डेली का नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़्यादा किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप लोगों के पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोन नंबर, लॉगिन पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड वही होता है जो विड्रा करते वक्त आप लोगों को लगाया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है 6069, ये आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करना है। साइन अप पे क्लिक करना है तो आप लोगों का अकाउंट साइन इन हो जाएगा और डायरेक्ट लॉगिन भी हो जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं ऊपर साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने का तरीका आसान है, ऊपर फ़ोन नंबर, नीचे मोबाइल पासवर्ड, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। दोस्तों इस साइट में जाओ, आप लोगों को डेली विदड्रा मिलेगा, 6% मिलेगा। उसमें रेफरल कमीशन पहले लेवल का 13% है, दूसरे लेवल का 5% है, उसके बाद तीसरे लेवल का 2% मिलेगा। तो चलिए हम इसको क्लोज़ करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसका शेयर का तरीका बताते हैं। शेयर, यहाँ शेयर लिखा जो है, इस पर क्लिक करने से आप लोगों का रेफरल लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। ये आप लोग कॉपी करके अपने रेफरल को शेयर कर सकते हो, अपनी टीम को शेयर कर सकते हो, जिससे आप लोगों का रेफरल कमीशन आ जाएगा। उसके बाद जन आप लोगों ने माइन पर क्लिक करना है और डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद बेसिक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। बेसिक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद इस एड्रेस को कॉपी करना है और अपने वैलेट में जाना है। इसमें मिनिमम 5 TRX इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने अपना TRX कॉइन सेलेक्ट करना है, सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो एड्रेस कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है वही अमाउंट लगाना है। मैंने 5 TRX इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है, अपने दिल का सुनना है और अपने मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा किसी से कोई फोर्स नहीं है और मेरे मालूमात के मज़ीद आप लोग अपना सर्च ज़रूर करें ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए, आप लोगों को तसल्ली मिल जाए। उसके बाद दोस्तों मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे से पासवर्ड पूछेगा, मैं वो पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा टाइमर लग चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा लगाएगा, बस ये 2-3 बार मैं रिफ़्रेश कर दूंगा हो जाएगा। ये एक ही बार रिफ़्रेश करने से हो गया। उसके बाद दोबारा मैं बैक आता हूँ क्योंकि मैंने विदड्रा भी करना है। तो मैं रिसीव वाला ऑप्शन एड्रेस कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने वेबसाइट पर जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रिचार्ज कम्प्लीट पर क्लिक करता हूँ। लेकिन मैं करता हूँ, आप लोगों ने भी उसी हिसाब से करना है। तो आप लोग हैरान रहोगे कि भाई इसका तो 2000 से बड़े ही नहीं है TRX, 20000 से। चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि तकरीबन 1 मिनट लग ही जाता है। तो चले दोस्तों, तब तक के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल वाकई इसमें 2 मिनट लग गए। ये बात नहीं है कि 1 मिनट में आया, तकरीबन 2.5 मिनट लग चुका है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है रिसीव हो चुका है। उसके बाद डायरेक्ट मैं विदड्रा पे क्लिक करता हूँ। विदड्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.3 TRX आप लोगों को एक दिन में मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 0.3 जो लिमिट है उसको यहाँ पर लगाना है, 0.3। उसके बाद जो आप लोगों का रिसीव करने वाला एड्रेस है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड जो आप लोगों ने लगाया था उसको यहाँ पे पेस्ट लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों ने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो है विदड्रा हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को विदड्रा प्रूफ के लिए सीधा मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जहाँ हमने एड्रेस कॉपी किया था वहाँ ही है। इसके बाद यहाँ पे 5 TRX हमने इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट में, उसके बाद ऊपर कोई भी नहीं है। तो चलो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। एक बार कर चुका है, 2 बार हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया था तकरीबन 2.5 मिनट लग चुका था, उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। चलो हम वीडियो स्टॉप करते हैं 2 मिनट तक। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट तक अंदाजे में लग चुका है। उसके बाद हमारा जो 0.3 TRX है वो रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दोबारा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के बाद 0.3 विदड्रा हमारा रिसीव हो गया। उसके बाद मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, रेफरल लिंक सेंड करने का तरीका, विदड्रा करने का तरीका बता दिया। इसमें जस्ट ज़रूरी भी यही 3 चीज़ें हैं, बाकी इसमें आप लोग खुद देख सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें ज़रूरत इतना नहीं है।
तो जो मेन चीज़ें तीन थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही था, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा ना लगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक करें और कमेंट में अपने राय ज़रूर दें कि आप लोगों को क्यों डिसलाइक, क्यों आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हमें बता दें ताकि हम लोगों को पता चल जाए, ताकि मुझे पता चल जाए। तो उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को आश्रम में कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करो। तकरीबन हमारा एक टारगेट है 600 सब्सक्राइबर का। जब हमारा 600 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे 10 बंदे का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा उसी रूल से जैसे मैंने पहले किया है। और तकरीबन 7 बार और 2 बार, 2 वीडियो में मैंने 9 बंदे का इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है, तो उसी रूल से दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा 10 बंदे का।